Your Excellency, Kyrgyz Republic Rashtrapati or Mere Mitra, Sriman Suronbay. Hurmatto Kyrgyz Respublikasının Prezidenti. Mere Pratinidhi Mandal or Mere Garmajoshi. Hurmatto President. Apni prakrutik sundarta, majbut lokatantra aur pratibha sampann logon ki wajah se is desh ka bhavishya ujjwal hai. Bharat ke logon ke prati kevi logon ki dosti aur prem hriday ko chhu lene wali hai. Apne piche pravas mein aur is baar bhi maine yahan bilkul ghar jaisa apnapan mehsoos kiya. Excellency, मैं आपको SCO समिति की सफल अध्यक्षता पर शुभकामनाएं देता हूं. आपके अध्यक्षता में क्षेत्रीय सहयोग को और बेहतर बनाने में SCO ने अनेक कदम उठाए हैं. पिछले महीने नई दिल्ली में मेरे शपथ ग्रहण समारोह को आपने सुशोभित किया. मैं आपका बहुत आभारी हूं. मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज आपके साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ. भारत और क्रिकेट लिपर्टी दोनों ही आपसी संबंधों को बहुत अधिक महत्व देते हैं. फ्रेंड्स, आज मेरी राष्ट्रपति जी मेकाओ के साथ अनेक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई. हम दोनों ही अनुभव करते हैं कि हमारे बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है. इसे हमें अपनी साझेदारी के प्रत्येक क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग करने में मदद मिलेगी. फ्रेंड्स, दो प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं के रूप में हम एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं. भारत और मध्य एशिया के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रखे हैं. भारत और किर्गिज रिपब्लिक महाकाव्यों की भूमि है. उदाहरण के लिए भारत में महाभारत और रामचरितमानस और किर्गिज रिपब्लिक में मानस. हम दोनों देश लोकतंत्र और विविधता से परे हैं. हमारे प्राचीन संबंधों और शांति को बढ़ाने की हमारी साझी भावना ने हमें अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा दी. इससे हमारे राजनीतिक संबंधों में भी विस्तार हुआ है. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों को के विभिन्न क्षेत्रों पर भारत और किर्गिज रिपब्लिक नियमित रूप से एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से परामर्श करते हैं. बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर हम समान दृष्टिकोण रखते हैं. यूनाइटेड नेशंस और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर हमारा सहयोग सुदृढ़ है. सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त युद्धाभ्यास, फील्ड रिसर्च और मिलिट्री टेक्निकल क्षेत्रों में हमारा रक्षा सहयोग बढ़ा है. दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के गठन का निर्णय लिया है. हमारे बीच आर्थिक सहयोग की अपार संभावना है. दोनों देश मिलकर इनका फायदा उठा सकते हैं. फ्रेंड्स, आज हमारे बीच द्विपक्षीय निवेश संधि और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस समझौते हुए हैं. हम दोनों देश व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में 5 साल के रोड मैप पर भी सहमत हुए हैं. राष्ट्रपति जी और मैंने B2B सहयोग को बढ़ाने के लिए आज इंडिया करगिल बिजनेस फोरम का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है. इस साल बिस्केट में नमस्कार यूरेशिया भारतीय ट्रेड शो का आयोजन भी किया जाएगा. मैं भारतीय कंपनियों से जोर देकर कहता हूं कि वे किर्गिज रिपब्लिक के निर्माण, रेलवे, हाइड्रो पावर, माइन और इसके जैसे अन्य क्षेत्र के अवसरों का अध्ययन करें. फ्रेंड्स, किर्गिज रिपब्लिक की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए आज मुझे भारत की तरफ से $200 मिलियन की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. मैं आशा करता हूं कि भारत के सहयोग से किर्गिज रिपब्लिक में बहुत से संयुक्त आर्थिक गतिविधियों को
आपका भारत का स्वागत करना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी।